नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज की न्यूज के साथ। सीधी और लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सिरसा के पास सौ वाला फर्स्ट की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे NH9 के ऊपर ये धरने पर बैठ चुके हैं। ये आप सीधी और लाइव तस्वीर देख रहे हैं सिरसा की आवाज के माध्यम से। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आप ये सीधी और लाइव तस्वीर देख रहे हैं जहां पर किसानों द्वारा नेशनल हाईवे NH9 को जाम कर दिया गया है। पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट सिरसा की आवाज के माध्यम से, किसानों की आवाज सिरसा की आवाज के माध्यम से उठाई जाती है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जो आप चलेंगे तो यह काफड़ा बढ़ता जाऊगा, तो साड़ी जित को यकीनी बनाऊगा। असी हार मनने वाले नहीं है। शायद ये सरकार भुल गई कि असी कदे मुगलों की कान नहीं मनी, असी कदे मीर मनू की कान नहीं मनी। असी तो हर समस्या नाल डट के सामना किया है, मुकाबला किया है। अंत के अंदर विच मैं एको ही गल कहना है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया कि मनू साड़ी दातरी, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों मनू बढ़दा असी दून सवाए होए। असी इन्ने ही नहीं रहांगे, असी इस सरकार का भी ते इन्हां कानूनां का अंत करके ही दम लवांगे। उम्मीद करदा है कि सारे भरा ऐसे हौसले नाल, ऐसे उम्मीद नाल ते ऐसे जज्बे दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के इस सरकार का विरोध करते रहेंगे, उदों तक जदों तक के काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेंगे। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद राजा पंगू जी। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हुण साडे विच ये साडे बच्चे हिसार तो एक नाटक लैके आए ने किसानी ते, वह विखाउणगे। मैं इन्हां वीरां नूं बेनती, बच्चो तुसी बैठ जाओ। सारे नूं किसान वीरो, ये बच्चे हिसार तो किसानी का एक छोटा जा नाटक लेके आए ने, वो देखो। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खड़ा, वाहेगुरु जी की फतेह। साड़ी टीम एक आज के धरने से लागू एक नाटक थोड़े सामने पेश करनगी, तो तुसी आज सारे देखते हैं। तो पेश है नुक्कड़ नाटक। तो आप सबके सामने किसान आंदोलन में लेकर आ रहे हैं
एक छोटा सा नाटक जमुरा और जमुरी जमुरा नमाज करने आए तो लीजिए पेश है नाटक ढैचू 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 एक बार गधी ने पूछा कि ओ गधे इश्क करता है, मैं जानू पक्का तू मुझको घूरे मुझ पे मरता है। तो गधे की तो भाई लगी लोटरी, बोला मेरी जानम तू एक हुक्म दे कदमों में तेरे मर जाऊं हरदम। कधी ये बोली नहीं, मैं पहले बायो डाटा लूंगी फिर थॉट करूंगी मुझको लाइन क्लियर दूंगी। तो गधा ये बोला बायो डाटा तो है मेरा ऐसा, हिल जाएंगे फट जाएंगे एटम बम के जैसा रे भैया एटम बम के जैसा। मैं भैचू मैं पाया जाता चढ़ता हूँ मैदानों के अंदर और साथ बैठता पार्लियामेंट की हर एक सीट के ऊपर भैया हर एक सीट के ऊपर। ISB मैं हूँ आज का IPS भी मैं हूँ और तेज़ इन मदारियों का सर्कस भी मैं हूँ। नई पार्टी को डिक्लेयर करता पर बाय गॉड कॉन्स्टिट्यूशन की कसम कसम मैं तुझ पे मरता। हनीमून मनाएंगे इंडिया गेट पर जाकर उन मरे जवानों को देंगे सल्यूट की जो बस गए। 100 करोड़ की आबादी से मानो यूं ही घट गए। फिर मैं कट लूंगी हाय कमाने ऑडिटोरियम को बस और तू कट लेना राष्ट्रपति के भवन राजपथ होकर। हेल्थ की थोड़ी सोच ले भैया कैलोरी तो ले आ 72 साल आजादी की मेमोरी तो ले आ रे भैया मेमोरी तो ले आ भैया मेमोरी तो ले आ। मुल्क की ले ली भैया बात अल बेली भैया मुल्क की ले ली भैया बात अल बेली भैया राम राम ठीक है भाई कटन लग रही है 2 दिन लिकड़ जाएगी बस लिकड़ दे मन्ना दे दिए मैं खरीदूंगा तू खरीदेगा तू कुकर खरीद का भाई मैं हाँ तू क्या नवा खरीद लेंगे कुकर कानून बना दिया सरकार ने नया कोई भी खरीद सका और कोई भी दर सका कड़िया भी। अच्छा हाँ अरे वाह तो ठीक है तू खरीद तो लेगा लेकिन कानून है स्टोर कुकर करेगा। सरकार ने कानून बनाया ऐसे अच्छा भी कोई भी खरीद भी सके और उसने स्टोर भी कर सके तो इसमें मारा किसान ना के फायदा भाई बोला था तारे तो फायदा कुकर है। अरे तना जो पाछा MSP पर रेट मिलेगा उसका फालतू रेट मिलेगा बावड़े फालतू रेट मिलेगा हाँ। अच्छा हाँ कड़ा इसके चक्कर में पड़ा है से दो के बात होगी मान कू इसने क्या अरे क्या ज्ञान क्यों नहीं हो MSP की बात कर रहा है अरे अपना ज्यादा रेट देने की बात करना है इसका तो रेट दे देगा यो। अच्छा इसका रेट दे दिया ना हाँ। अगली साल ही कोई घंटी ले लो भाई अगली साल कोई घंटी ले लो भाई अगली साल की बताओ भाई कोई घंटी ले अपना कम दाम पे खरीद लेगा। अच्छा मान लिया 10 रुपया में अपने खरीद ली चीज फिर यू 50 में बेचेगा अपन उल्टी अपन बेचेगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना सरकार कर सकती तो फिर क्या करा करना कैसा और तू तो मरो कट जा रहा है तू बूढ़ा आदमी ना बूढ़ा कंपनी का आदमी हूँ बूढ़ा आदमी ना आओ मिलकर आवाज उठाए ये नई अलग जगहें किसी एक को नहीं बिकने देंगे काला बाजारी नहीं बढ़ने देंगे काला बाजारी नहीं बढ़ने देंगे
अपनी है। हाँ जी आओ जी आओ। हेलो राम राम जी राम राम। दस दिन हो गए जी फसल कटी ने, किस टाइम आओगे कदा आओगे? हाँ जी क्यों करो हो, आ जाएंगे लेने, रखे रखो तोड़े आओ जी। अरे पीना हो गया कहा था मेरे यार, बढ़िया नहीं। हेलो राम राम चौधरी साहब। राम राम जी राम राम। एक दिन ना हो गया जी, आदमी ने और काम भी हुआ है कि मैं बाहर जाना भी इतना जाना, पीछे की भी जरूरत पड़ा आदमी ने। अरे चौधरी साहब चिंता ना करो, आ लग रहा राय में। आओ जी थोड़े आओ बस। आ गए जी। हाँ राम राम चौधरी साहब। राम राम जी राम राम। कड़े कड़े यार जी। क्या है जी? ओ कणक है जी। अरे कणक तो ठीक है, या तो जमा है मरी मरी है। मरी मरी क्यों जी? देखो जी एक एक दाना बढ़िया है, दिन रात मेहनत करी है, और साथ टाइम पे फसल दे, टाइम पे पानी दिया है, टाइम पे स्प्रे करे है, सारे करे इतना महीना। मरी मरी बताओ सड़ी जाए बोवा सरिया ना, जाए खरीदो तम। देखो चौधरी साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका आगे भाव तो लागे को नहीं। भाव क्या तो लगेगा जी? आपने कहा था कि 2000 क्विंटल रुपये तो हम खरीदेंगे। आहा चौधरी साहब तो कड़े 2000 की लागे थमने, यो तो मसा मार के 1500 तक जाओगी। 1500 को देंदा जी, हम और कड़ी बाहर बेच लें, हम इस बढ़िया तो। ना 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 चौधरी साहब, यहाँ देखो कंपनी गैल कॉन्ट्रैक्टर रखे थमने 2 साल का, ये थारी फसल कंपनी खरीद के है, और कंपनी जो भाव देगी थमने उसे में देना पड़ेगा। ठीक है समझ गए? ठीक है। अगर कंपनी से खेती करवाएंगे ये हमको खा जाएंगे, ये हमको खा जाएंगे, कम कीमत में लेंगे फसल, कम कीमत में लेंगे फसल, किसान को सूली चढ़वाएंगे, 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 किसान को सूली चढ़वाएंगे। फसल कट ली, बेच रहा हूँ, घर रख के करना है। क्यों दाऊ ठीक है? मैं हाँ हाँ करो तुसी। ओ बदौड़ू ओ पागल, हाँ भाई साहब क्या है? राम 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 राम। कनक बेचनी है भाई साहब? हाँ बेचो, फिर क्या बात होगी? तो क्या भाव चल रहे हैं जी? मारा तो 1450 चल रहे हैं। 1400 ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज न्यूज पर। मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। सावड़ा फर्स्ट नेशनल हाईवे सिरसा से डवाड़ी की तरफ जाते समय सावड़ा फर्स्ट आता है, वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान साथी अब पहुँच रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं सिरसा की आवाज के माध्यम से। सावड़ा फर्स्ट जहां पर हजारों की संख्या में किसान साथी पहुंच रहे हैं, आप सिरसा की आवाज के साथ जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा साथी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसान साथियों ने आया यहां नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। आप देख रहे हैं आपको पंडाल के दिखा रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीर आप सिरसा के आवाज के माध्यम से देख रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि किसान साथी यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान साथी पहुँच रहे हैं, और नेशनल हाईवे NH9 को पूरे तरीके से जाम कर दिया है, पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसानों का यहाँ दम दमखम
नजर आ रहा है, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मैं वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो पूरा रास्ता बंद है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि किसानों ने पूरे देश का चक्का जाम, रोड जाम कर दिए हैं। तीन कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई थी उसके विरोध में, वो वापिस लेने के लिए किसान सड़कों पर है, आज तक सड़कों पर है, आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आज ये नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। पूरी स्थिति हम आपको सिरसा की आवाज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मतलब कि बहुत पुराने समय से ही हम कृषि से, किसानी से हमारे देश को बांधे हुए हैं, तो ये जो एकता देख के दिल खुश हो गया, तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे दोस्तों कितों आए हो, कितों के बच्चे हो, ये टीम है दा अपेंडेंस सोसाइटी हिसार से है, और ये सभी कलाकार हैं, ये है मनदीप, चंदू, प्रदीप और सुजीत, संजीत और मनदीप। और एक चीज और, हम शाम को जो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है और उससे हम म्यूजिकली कुछ डालते हैं, हमने किसानों के लिए गाना भी बनाया था, लेकिन हमसे हुआ नहीं, पूरी रात हम उस पर काम पे लगे रहे कि आपको ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि जरूरी है। मनदीप है यार, हाँ पूरा सुना है, सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान सब वाला फर्स्ट में पूरे तरीके से रोड को जाम किए हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं, पूरा देश का किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। मैं वहीं दूसरी तरफ आपको दृश्य दिखा देना चाहता हूं कि पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी व्हीकल ना तो आ सकते ना जा सकते, क्योंकि किसानों द्वारा तीन अध्यादेश के विरोध में, तीन कानून के विरोध में ये पूरे देश का चक्का जाम, जहां नेशनल हाईवे NH9 को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको मैं सीधी और लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, सब वाला फर्स्ट की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नेशनल हाईवे को किसानों द्वारा पूरे तरीके से जाम कर दिया गया। सभी साथियों से गुजारिश है कि यह वीडियो जो हर किसान साथी तक, हर किसानों की पास पहुंचनी चाहिए, तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जिन्होंने इस सानू इस साडे आंदोलन च आके ते एक नवा ही एक जोश भरन की कोशिश की है, मैं इन्होंने बच्चों का ही दोस्त होने अपने वालों, क्योंकि मैं भी 40 साल तो इस काम में जुड़िया हाँ करता हूँ, मैं भी तो इस करके मैं ये लगा कि मैं इन बच्चों बारे गल कर सकता, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। ठीक है कि जो रात लगे रहे नाटक के उतरा चढ़ा होंगे रेंगे ने, थोड़े बहुते कमियां पेशियां हो सकदियां ने, पर एक जो मैसेज थोड़ा सी वह बड़ा खूब सी, जो असं चाहते अज के दिन मैसेज देना वो तेरे इस नाटक के, बड़ी खुशी हुई तुम्हें मिल के, और तुम होर इस तरह के नाटक तैयार करो ता जो अज लोड़ है इन्हें नाटकों की, ता जो कई नाटक के रूप पेश करते हैं, कई गलबात के रूप पेश करके असी गल तो गूंगी बैरी सरकार को दसन दी है ना कि तू जो किया गलत कर रहे हैं, जो किसानों की कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तू मजदूरों की गलत कर रहे हैं। सो इस रूप के पेश किया मैं अपने वालों सारे इलाका वासियों वालों, तुहाडा इत्थे पहुंचण ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु साहब। गाना बनाया था जो वो हम कोशिश करेंगे आपको सुनाने की, तो आप कृपया गौर करिएगा सभी। देश जान मां के जान दे दे, देश जान मां के जान दे दे, मांगे तो ईमान दे दे, मांगे तो ईमान दे दे, मां के जान दे दे, मांगे तो ईमान दे दे, ओ जान मां के जान दे दे, मांगे तो ईमान दे दे, झूठी मूठी बात को ना बेटा यो जवान दे दे, झूठी बात को ना बेटा यो जवान दे दे। सोचता परस काम रे किसानी का, सोचता परस काम रे किसानी का, सोचता परस काम रे किसानी का, हो रात दिन एक करा कपक्त
रात दिन एक कर रात दिन एक कर काम ये नेक कर सबका ये पेट भर काम ना आसानी का हरी सोच दे पर सर काम रे किसानी का सोच दे पर सर काम रे किसानी का सोच दे पर सर काम यो किसानी का सोच दे पर सर काम यो किसानी का हो छोटा सा गाना हमने बनाया था इसके और भी अंतरे हैं वो हम अपने चैनल पे डालेंगे तो आप शाम को जरूर सुनिएगा बाकी डिटेल चैनल के बारे में एक बार दोबारा हमारे भाई बता देंगे दार पेंडेस चैनल है वो जब आ जाएगा आपके बीच में बस आप ऐसे लगे रहिए हम आपके बीच आते रहेंगे आप बहुत बहुत हारिएगा बहुत बढ़िया आपके साथ है बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों थोड़ा साढ़े बच्च रोड़ी तो ट्रालियां का काफिला लेके आए ने नौजवान ते साडी किसान भी बहुत बहुत धन्यवाद ते एक साडा हजार किसानों का काफिला छतरियां तो हुंदा होया बड़े बड़े तो इत्थे आ रहे हैं उस पिंडां का काफिला हजार के करीब किसान थोड़ी देर से पहुंचने वाले ने मैं रोड़ी तो काफ़ी ट्रालियां लेके इत्थे पहुंचे ने उन्हां धन्यवाद ते मैं बेनती करदा सारे किसान वीरां नूं जिवें आपां बैठे सी उवें उवें उस तरह बैठ के ते आपां स्टेज दे तरफ अपने बैठे रहो उठना किसी ने नहीं बैठे रहो तो सभी साथियों से गुजारिश और विनती की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि यहाँ पर किसान साथी पूरा रोड चक्का जाम करे यहाँ पर बैठ गए हैं और NH9 नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है तो पूरे देश में किसानों द्वारा यह आंदोलन जारी है तो सभी साथियों से गुजारिश और विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान साथी डटे हुए हैं रुके हुए हैं तो मैं आपको दिखा दूँ ये नेशनल हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधी और लाइव तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर पूरा रोड जाम कर दिया गया हजारों की संख्या में किसान साथी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हम जीरो लेवल से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहते हैं और किसानों की आवाज़ लगातार सिरसा की आवाज़ किसानों की आवाज़ लगातार बनता नजर आ रहा है तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि सीधी और लाइव तस्वीर सिरसा के आवाज़ के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है बाबा गुरमीत सिंह जी तलोके वाला जी को अपने विचार रखन इस तो बाद साडे संत के होर वाले बोलेंगे बाबा गुरमीत सिंह जी तलोके वाले सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे को पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है सब वाला फर्स्ट के पास की ये लाइव और ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं जहाँ से हज़ारों की संख्या में किसान धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और नेशनल हाईवे को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है हजारों किसानों द्वारा सभी साथियों से गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो किसानों की आवाज़ उठाना चाहते हैं किसानों की आवाज़ के साथ सहमत हैं जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि मैं आपको सीधी और लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ सिरसा के आवाज़ के माध्यम से जहाँ पर NH9 नेशनल हाईवे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है ब्लॉक कर दिया गया है किसानों द्वारा जो तीन कानून लेकर आए हैं केंद्र सरकार उसके विरोध में किसान अभी तक सड़कों पर हैं लगातार दिन रात जिस किसान को खेत में होना चाहिए वो सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुके हैं तो सभी साथियों से गुजारिश और विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि हजारों किसान धरने पर हैं सड़कों पर हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सारे ही किसान यूनियन के सेवादार वक्त वक्रे पिंड साडे सरकार जो किसान बुजुर्ग किसान नौजवान वीर मजदूर वीर आड़त के वीर व्यापारी वीर ते नाल नाल साडे चौधरी वीर साहबान भी हम के पहुंचे ना
आप देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीर। सभी साथियों से गुजारिश और विनती की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। सो मैं विनती करा भी सब तो पहला तो मैं ना आपके बारे एक दो मिनट एक मिनट जी मुका दूंगा। मेरी कई मन जी है दोनों साइड से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। काले झंडे लेकर किसान साथी यहां पर मैदान में हैं, काले झंडे और ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहां पर किसान साथी मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब सूचना मिली है कि छतरिया गांव के आसपास हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर किसान आंदोलन में पहुँच रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोनों तरफ से किसानों ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, तीन कानून लेकर आई थी, उसके विरोध में यह है चक्का जाम। पूरे देश में किसान साथी सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये कानून लेकर आए हैं ये वापस लिए जाएं, नहीं तो ये इसी तरह सड़कों पर डटे रहेंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि किसानों की आवाज़ को आप ही बुलंद कर सकते हैं, ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके, सरकार के मुखिया तक पहुंच सके। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों के दुख तकलीफ को सरकार समझ सके। यह आपको मैं लाइव दृश्य दिखा रहा हूं, सावाड़ा फर्स्ट की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है, पूरे तरीके से बंद कर दिया है। हजारों की संख्या में किसान साथी अभी यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ साथी 500-600 की संख्या में यहां पर किसान साथी पहुंच चुके हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहां किसान साथी अभी अभी पहुंच रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश और विनती है कि आप किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं किसान साथियों द्वारा काले झंडे भी लगाए गए हैं, सरकार का विरोध आप देख सकते हैं। ये काले झंडे लगाकर सरकार का विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ से आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं एक साइड से ये रास्ता है जो बंद कर दिया पूरी तरीके से, दूसरी तरफ से ये ट्रैक्टर लगाकर रास्ते को बंद किया गया है, नेशनल हाईवे NH9 को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है किसान साथियों द्वारा। तो किसानों की मांग लगातार जारी है, लेकिन इनकी मांग सरकार तक पहुंचनी जरूरी है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए किसानों की मदद और सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई भगते बहन दादा उन्होंने मूर्तियों के उन्होंने अगे हो गए लड़ाई लड़ी जेलां कटियां ते उन्होंने जो सानू उपदेश दिता भी भाई वाणी पढ़नी है, गुरबाणी का प्रचार प्रसार करना है, ते जो मौका बने कि जुर्म हुंदा होवे, कि सच की लड़ाई होवे, ते फिर उत्ते